तो गाइज अभी इस वीडियो की तैयारी चल रही है और पता नहीं यार ये कब ख़त्म होगा। रात के लगभग 10:30 बज गए हैं और इधर देखो अभी तक हमारे कार के ऊपर जो है ये सब चीज़ें चिपकाई जा रही है, कांच मिरर जो भी इसको बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। और देखो भाई अभी रात तक काम चल रहा है, एक बंदा ऊपर काम कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा फिनिश नहीं हुआ है। तो सोचो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ी है इस वीडियो के अंदर, देख लो। और अभी यहाँ तक बाकी है, ये पीछे वाली डिक्की बाकी है और यहाँ तक आए हैं सब काम करते करते। और कितना फैलावड़ा हो गया देखो, ओ भाई साहब ये देखो। तो गाइज यार इस कार को मिरर वाली कार बनाने के लिए कल स्टार्ट हुए थे, कल दोपहर को, और रात को भी हमने काफी काम किया और अगला दिन हो चुका है और जो कार है वो इतनी सी तैयार हुई है, एक साइड और पीछे का ये वाला हिस्सा। और अभी भी अगला दिन हो चुका है और जो हमारी टीम है अभी भी लगी हुई है। यहाँ देखो कार ने यार हाहाकार मचा दिया है, बैंकर वाला यार। यानी कि कल दोपहर को स्टार्ट हुए थे, रात को काम किया और अगला दिन हो चुका है और टीम लगी पड़ी है यार। टावर जन वंडर कार और मैं और सेन जाएंगे, टेप लेकर आएंगे क्योंकि वो टेप थी वो काफी मात्रा में लगानी पड़ेगी। बिल्कुल गाइस यार ये जो टेप है वो खत्म हो चुकी है, जो आसपास का मार्केट है उसको पूरे को छान मारा है, लेकिन ये जो टेप है कहीं पर भी नहीं मिल रही, खत्म हो चुकी है। यहाँ पर देखो हमारे जीतू जी कैमरामैन जी टायर के लगाना नहीं है ना अभी, और यहाँ पर दिनेश जी फेना फैन होकर आ चुके हैं, ये अभी फीमेल टेप जो दोनों साइड चिपकती है वो लेकर आएंगे। और विशाल इधर खड़ा है, विशाल यहाँ पर फंस चुका है भाई क्योंकि यहाँ पे ना ये किनारे आ चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पर फंस चुका है। और शिवराज भी काफ़ी फंसा हुआ लग रहा है यहाँ पर। यार दोस्तों जब ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है ना जगह, वहाँ पर काम जो है काफ़ी टफ हो जाता है यार, तो सोच सकते हो जो मेहनत है कितनी लगती है यार। और गाइस जहाँ पर जो गाड़ी का पेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर पेंट हो रखा है बिल्कुल छोटी सी जगह, वहाँ पर हमने 1x1 इंच के जो होते हैं कांच के छोटे छोटे टुकड़े वो कटवा रखे हैं इस टाइप के, तो वो हम यहाँ पर चिपकाएंगे। जहाँ पर गाड़ी का पेंट हो रखा है सब जगह वहाँ पर मिरर करेंगे। यहाँ पर देखोगे यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि यार यहाँ पर अप्स है और यहाँ पर डाउन है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और मिरर जो है यहाँ तक चिपका दिया है, छत के ऊपर चिपका दिए हैं, लेकिन काफ़ी मिरर जो है अभी बचे हुए हैं और दोपहर होने वाली है और देखते हैं कि यार ये लगभग हो चुकी है देखो बनियान के अंदर। तो यार दोस्तों वीडियो के अंदर क्या होता है, वीडियो 10 से 15 मिनट का दिखता है आप लोगों को, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, सच में बता रहा हूँ करीबन 15 से 20 घंटे की मेहनत रहती है भाई। और इस वीडियो में तो 3 दिन तो हमें कांच काटने के अंदर लगे और लगभग 2 दिन लग जाएंगे इस कार को कांच को अप्लाई करने के लिए, तो यानी कि 5 दिन की मेहनत होती है और आपको बस दिख जाएगा 10 या 15 मिनट के एक वीडियो में। तो यार इसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार, मार दो फ्री का बटन, इस छोटे वाले चैनल को भी बड़ा करो यार, किंग वाले को करो करो अपनी पूरी किंग वाले टीम के लिए। तो गाइस जैसे हम गांव से बाहर निकले हैं देखो सब लोग जो अपनी गाड़ी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे कि अन्नो की गाड़ी है और इनको ओ भाई इनका रिएक्शन बैंकर था यार, मतलब ये क्या फेंकना चाह रहे थे, मतलब इन्होंने कुछ यूं किया हमारी गाड़ी तोड़ना चाह रहे थे, ये है ना ऐसे बाल वाल देख रहे थे। अच्छा अच्छा मैं कितने सारे मैं दिख रहा हूँ मैं, ओ वाह भाई साहब 50,000 मिरर छोटे छोटे टुकड़ों से हमने इस गाड़ी को सजाया है इन्हीं हाथों से यार, और कितने हाथ छिले होंगे आप समझो यार। तो भाई देखो मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज आपसे, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, जितना आप करोगे ना उतनी हमारी फैमिली बढ़ेगी, आप भी फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे तुरंत कर दो।
तो गाइज यार कड़ी मेहनत के बाद जैसे ही हम लोग इस मिरर वाली कार को मार्केट के अंदर लेकर गए और वहां पर जो लोगों के रिएक्शन थे वो वाकई में देखने लायक थे। एक बार तो सबकी जो नजर थी इस गाड़ी के ऊपर टिकी रह गई थी। तो गाइज आपको नहीं पता कि वीडियो के बाद में कितनी मेहनत लगती है। ये यहाँ पर देखो डिग्गी साफ कर रहा है, ये डिग्गी के अंदर घुसा हुआ है और ये जो कांच है इनको हटाने के लिए कौन कौन से हथियार काम के अंदर लिए जा रहे हैं ये देखो, देखो ये चिमटा है। तो यार दोस्तों जो वीडियो था वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा एक्सपेरिमेंट किंग के ऊपर, लेकिन अभी भी जो हमारा काम है ना वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ भाई। और देखो ये एक 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 बंदा जो है यहाँ पर ऊपर मेहनत कर रहा है। कभी हमने यहाँ से हेयर ड्रायर से हटाया है, कभी ये अभी लगे पड़े हैं क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा तेज चिपके हैं। ये देखो अगर इनको पीटने से भी नीचे गिर नहीं रहे और इस प्रकार इनको हम लोग हटा रहे हैं, चिमटे से कुछ इस प्रकार से हटा रहे हैं, मतलब जान निकल रही है। देख लो 50,000 कांच के टुकड़े थे और यहाँ पर ये बिखरे पड़े हैं और मैं नंगे पाँव घूम रहा हूँ। भाई साहब लग गई तो यार मैं आपको ही बस ब्लेम करूंगा, गाइस आपके लिए लग गई है। और देखो ये पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है, पूरी स्क्रेच स्क्रेच है भाई। इस साइड तो देखो पूरा स्क्रेच है और आगे की साइड दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्क्रेच आए हैं आगे की साइड, क्योंकि यहाँ पर जो कांच थे वो बिल्कुल अनबैलेंस थे और उतार के टाइम जो है हमारी कार जो है उसके निकल जो किनारे होते हैं वो पेंट के अंदर चल गए थे, तो हमारे पेंट की भी एसी की पेशी हो रखी है और नुकसान हो गया इस बार तो बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, नुकसान हो गया। तो यार दोस्तों अब इस चैनल को भी यार थोड़ा बड़ा करो यार, छोटा सा चैनल है इसको भी बड़ा करो, इसके ऊपर भी प्यार दिखाओ। और वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और किंग वाले को भी सपोर्ट करो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से करो। गाइस ये तो ब्लूपर है, मजे लो देख के यार लास्ट तक है ना, पैर से उतार रहा हूँ यार शिट। और भाई हमने यहाँ देखो कांच से जो पूरा ग्राउंड होता है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पूरी असेंबल की थी वहीं पे हम इस गाड़ी को डिसेबल कर रहे हैं वापस। तो यहाँ पर देखो पूरे कांच बिखरे पड़े हैं, पूरे के पूरे कांच है। और गाइस यार इन कांचों को उतारते उतारते आप लोग देख सकते हो बलि ले रहा है, ये जो कांच है बैंकर वाली बलि ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हो मेरे लग चुकी है कांच की इसके, भाई इसके इसके लग गई है, उसके लग गई, इसके लग गई है, मेरे भी लग गई है, इस हाथ पे लगी हुई है। कोई बात नहीं गाइस, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोले तो कुछ भी। और भाई यहाँ पर देखो ये यहाँ से नीचे ऊपर बैठा है ना, इसलिए यहाँ से जो हमारी गाड़ी है वो बेंड खा गई है और हो सकता है अगर थोड़ा और प्रेशर आ जाए तो ये भी ग्लास जो है फेक हो सकता है। और ये पूरी डबल साइड टेप है, हमने इस साइड से उतार दिए, वहाँ पर स्क्रैच है तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल प्यार से उतरे हेयर ड्रायर की मदद से, वरना अगर हम इनको उतारने की कोशिश करेंगे तो यार बिल्कुल स्क्रैच आ जाएंगे। हम ऐसे चाहते नहीं है कि हमारी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आए, लेकिन अरे बस भाई बस वीडियो ख़त्म कर दे यार, बाय बाय। आपने देख तो लिए ब्लूपर है, मजे लो यार, बाय।